क्या नाम है आपका और कहाँ निवासी? मैं मोहम्मद इकबाल, पिताजी का मोहम्मद सलीम, उन्हीं के द्वारा हम भी सीखे हुए हैं और ये हमारा पुश्तैनी काम है। किन चीज़ों के आप पुतले तैयार करते हैं और लगभग एक पुतले को बनाने में कितना समय लग जाता है? एक पुतले में 20 से 25 दिन का आता है समय। जो पुतला आप बनाते हैं उनमें क्या कई दिन लग जाते हैं? जो आपको क्या क्या सामान लगाते हैं, क्या मतलब स्पेशली क्या? बांस लगता है, कागज़ लगता है, और आपकी सुतली है, लई है, पेपर है, रंगीन कागज़ है, ये सब चीज़ें लगती हैं। आपके पुतले जो बनाए जाते हैं वो किन किन जिलों में जाते हैं, अन्य जिलों में भी जाते हैं? आपके तो झिंझकी में झिंझक है, हमीरपुर है, कानपुर में हमारे यहाँ 4-5 जगह है, और बेला बिधूना है, यही सब जगह हो गए हैं। पिछले लॉकडाउन की बात करें जी, लॉकडाउन में आपका कारोबार कैसे चला, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मेरा काम बिल्कुल नहीं चला हमारा। ये बस सिर्फ आपका झिंझक मैंने किया था, हमीरपुर किया था, और अपना रेल बाजार। जो आपके घर के जो खर्चे थे उनको आप किस तरीके से मैनेज किया? कमेटियों से मैनेज किया मैंने, कमेटियों ने मेरा बहुत साथ दिया, जैसे संतोष शुक्ला हैं आपके, विमल चाचा हैं, विमल शुक्ला, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया हमारा, और भी जो कमेटी हमारे कानपुर की हैं जिस जगह पे हम रहते हैं उनने बहुत कर सहयोग किया। जो आप रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले बनाने का कार्य करते हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? और ये हमारा पुश्तैनी है, हमको करते करते कम से कम 27-28 साल हो गए, और मेरे पिताजी करते तो उनको तो 50 वर्ष हो गए। अभी लॉकडाउन में उनकी डेट हुई है नवंबर में, और मेरे बाबा करते थे, बाबा का नाम था नूर मोहम्मद रहमतुल्ला, पापा का नाम था मोहम्मद सलीम। जागरण का भी मैं काम करता हूँ, मंदिरों का श्रृंगार वगैरह हैं, मूर्तियाँ हैं, सब काम करते हैं। एक पुतले को बनाने में करीब कितने पैसों का खर्चा? अब ये पुतले के ऊपर है कि क्या मतलब कैसा पुतला होगा। अच्छा, जो आप झिंझक में पुतला लगा रहे हैं इसमें क्या विशेषताएँ? अब जैसे कि रावण में उसे आपके चेहरों में आग में वो आँख में बल्ब है, सर से फुहारा निकलेगा, आँखों से फुहारा निकलेगा, ये सब चीज़ें हैं।